चलिए, शायद मेरी आवाज अब तक नहीं जा रही है। गर्ग साहब, ये बांटकर जो आरोप लगाया गया कि हरियाणा को अलग कर दिया गया और जो बजट पेश किया गया उसमें हरियाणा को तवज्जो नहीं दी गई, ये आरोप दीपेंद्र हुड्डा से लेकर, शैलजा से लेकर, उसके साथ साथ अब दुष्यंत चौटाला भी लगाने लगे हैं। क्या इसे चुनाव से जोड़कर आप देख रहे हैं या वाकई अनदेखी की गई है, क्योंकि बीजेपी का तर्क है कि देश के मुताबिक बजट है। देखिए अतुल जी, आप नेताओं को भूल जाइए, हरियाणा का आम नागरिक, हरियाणा की मेरी माता बहन, किसान, युवा, छात्र, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति, आप किसी को भी टच करोगे आपको एक ही बात मिलेगी कि निराशा हाथ लगी। और जहां तक कि मेरा जनता से सीधा संपर्क 24 घंटे रहता है, पूरे हरियाणा में मैं घूमता हूं, हर एक वर्ग में निराशा हाथ लगी। ना तो किसानों के लिए इस बजट पे कुछ है, ना MSP का जिक्र है, ना किसान के कर्जों का जिक्र है, या किसानों पर जो खाद पर, बीज पर, अपने खेती उपयोग दवाइयों पर जो उन्होंने टैक्स लगाया था, पहले जो टैक्स नहीं था उसका कोई जिक्र नहीं है। ट्रैक्टर पर है, ट्रैक्टर पार्ट पर इन्होंने जो अनाप नाप टैक्स लगाए, मशीनरी पार्ट पर टैक्स लगाए, किसानों को बड़ी उम्मीद थी हमें राहत मिलेगी, उसी प्रकार की राहत नहीं, महिलाओं के लिए कोई राहत नहीं, प्रदेश के विकास के लिए किसी प्रकार की राहत नहीं, महंगाई के लिए राहत नहीं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए राहत नहीं। तो बजट तो राहत देने के लिए होता है, देश और प्रदेश के विकास के लिए होता है। इन्होंने ये बजट सिर्फ अपनी सरकार बताने के लिए और अपने दबाव की राजनीति के अंदर ये बजट बनाया। बिहार आंध्रा का एक किस्म का ये बजट मानिए, क्योंकि दोनों पार्टी का बड़ा भारी प्रेशर केंद्र सरकार के ऊपर था। उन्होंने बजट का सारा द मैक्सिमम हिस्सा उन स्टेटों को देने का काम किया। हरियाणा का तो वो कहते हैं आप जिक्र क्यों करते हो, ये कोई हरियाणा का बजट थोड़ी है, आप देश की बात कीजिए। अरे भाई, हरियाणा देश का हिस्सा है और दिल्ली के साथ लगता हरियाणा है, और ये बात दिल्ली वाले भूल गए। हरियाणा के चारों तरफ हरियाणा आता है, एक तरफ सोनीपत आता है, एक तरफ भादरगढ़ आता है, एक तरफ फरीदाबाद आता है, एक तरफ गुड़गांव आता है। और आपको ये बताता हूं, दिल्ली की कम से कम ये चार मैंने जो जिला बताया, भादरगढ़ और सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल भी जिसमें आता है वो भी लगा लो, गुड़गांव, यहाँ पर 50% वो लोग, दिल्ली के लोग वहां रहते हैं जिनका व्यापार रोजगार दिल्ली से काम चलते हैं, मगर रिहाइश नहीं आए। आपको ध्यान होगा, मनोहर लाल जी ने अनेकों बार घोषणा की, हम मेट्रो लाइन को पलवल तक खींच के लेके जाएंगे, मेट्रो लाइन को हम सोनीपत लेकर आएंगे, हम मेट्रो लाइन को रोहतक तक लेकर आएंगे। कांग्रेस पार्टी के राज के अंदर जो मेट्रो लाइन का काम शुरू हुआ, जहां तक काम शुरू हुआ, एक इंच भी काम, एक इंच भी वहां से मेट्रो लाइन सकी हो तो आप बता दो। यहां तक कि आप स्टेट की बात कीजिए, हरियाणा स्टेट की जितनी राज्य सड़कें हैं उनके हालात देख लो, आप गुड़गांव से लेकर पलवल तक चले जाओ, चाहे मेवात तक चले जाओ, मगर ऐसे हालात है आपको सड़क ढूंढने को नहीं मिलेगी, वहां आपको खड्डे खड्डे मिलेंगे। आप बिहानी से, आप आसी से लेकर नारनौल तक चले जाओ, जब बिहानी होकर जा बाया तुसाम जाओगे या बाया भवानी खेड़ा जाओगे, महेंद्रगढ़, दादी मेरे साथी और भी घटे हैं, उनसे तसल्ली कर लेना। आपको सड़कों का इतना बुरा हाल है, स्टेट सड़के नाम की कोई चीज नहीं है। आपको क्या व्यवस्था मिली, आप ये पूछिए भाई हरियाणा के बजट के अंदर क्या मिला। एक बात जरूर है, केंद्र सरकार ने सोच लिया हमारी 10 सीटों से 5 सीटें हो गई, हरियाणा से इनको निराशा हाथ लगी है। वो MP हार की खुन्नस
खुन्नस इन्होंने इस लोकसभा चुनाव की, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। सरकारें ऐसे खुन्नस वैसे सदन के अंदर नहीं निकालती है, लेकिन आप कह रहे हैं तो जवाब ले लेते हैं। रेणु भाटिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेणु जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? रेणु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शायद संपर्क नहीं है। अमनदीप, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि हां खुन्नस निकाला गया है? क्योंकि खुन्नस शब्द सदन के अंदर बड़ा हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि सदन में यह बजट पेश किया गया बहुत तैयारी के साथ, पूरे देश के हिसाब से देश का बजट आता है। पहले रेलवे का अलग आता था, अब उसको क्लब कर दिया गया है। लेकिन जो खुन्नस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं गर्ग साहब, क्या वाकई वो तार्किक लगता है? ऐसा हो सकता है या हुआ है? जी अतुल जी, देखिए हम लगातार इसी बात को उठाते रहे हैं पहले भी और आपके सामने तथ्यों के साथ कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के लिए हरियाणा प्रदेश की कोई खास महत्व नहीं है। कारण क्या है कि ज्यादा 10 लोकसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियां लगातार, आज से नहीं है, बहुत पहले से हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार करते आ रही है। आप 1966 से उठा करके देखें तो ये कोई हरियाणा प्रदेश को अलग करने के लिए तैयार थोड़ी थे। वो चौधरी देवीलाल जैसे नेताओं ने लड़ाई लड़ी, तब जाके हरियाणा को उसको हक का अलग राज्य मिला, और अभी तक हमारे हक जो है केंद्र की सरकार नहीं देती। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे बजट में दे देंगे? कांग्रेस ने कौन सा बड़े बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा को दिए हैं? हरियाणा आज जो भी कुछ है, मैं आपको बता दूं कि आमदनी के स्रोत पर या कहीं पर भी बात करें तो केवल मात्र हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी की सरकार आई। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल की, अगर जो बंसीलाल की भी सरकार आई तो उन्होंने भी इस पर काम किया। लेकिन दोनों राष्ट्रीय पार्टियां तो केवल मात्र अपने केंद्रीय नेतृत्व की कठपुतलियां बनती हैं और कुछ नहीं है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पार्टियों के जब भी राज आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया? उल्टा किसानों की जमीनों को लूट करके बाहर के व्यापारियों को दिया। आप देख ही रहे हैं, वाड्रा साहब को दी, गिफ्ट दी, बड़ी बड़ी कंपनियां उसके अंदर आ गई, और सेम काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज बजट का, अरे आप अपने बारे में बोलना, बजट पे तो बता रहा हूँ अतुल जी, बजट पे बात करवा, बजट पे ही आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका भी थोड़ा हिसाब गिना दे। आप लोग हिसाब मांगते ना तो बीजेपी के साथ साथ आपका भी हिसाब गिना रहे हैं भाई। मानसिकता जब मानसिकता छीनने की हो तो, अरे मानसिकता छीनने कहाँ पे है वो यूनिवर्सिटियां, कहाँ पे है वो यूनिवर्सिटियां, अरे कहाँ पे है यूनिवर्सिटियां, ये तो बता दो कहाँ पे है यूनिवर्सिटियां, है कहाँ पे, दिख क्यों नहीं रही, कहाँ दिख क्यों नहीं रही, इस धार में किसने बनाई, कहाँ पे है, पानीपत में, खेतड़ के अंदर, अरे बजरंग दास गर्ग जी, ये हालात तो प्रदेश का युवा, प्रदेश का बच्चा पढ़ने के लिए बाहर क्यों जा रहा है? यूनिवर्सिटियां बना दी आपके।